अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सर्वांग समता क्या है? चित्र एक में त्रिभुजों को देखें, क्या ये एक जैसे हैं? एक त्रिभुज पर दूसरा त्रिभुज रखें तो क्या वे एक दूसरे को ढक लेंगे? यहाँ तो हम देख सकते हैं कि ये एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं एक बराबर नहीं है। कैसे पता लगेगा कि कोई दो आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी अथवा नहीं? दिए गए दोनों त्रिभुजों के लिए ऐसा तभी होगा जब बिंदु ए बिंदु डी पर, बिंदु बी बिंदु ई पर तथा बिंदु सी बिंदु एफ पर पड़े, और ऐसा तभी होगा जब त्रिभुजों की सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हों, याने जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। सर्वांग सम होने का अर्थ है सभी अंगों का समान होना। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं। त्रिभुजों के संदर्भ में सभी अंग समान होने का अर्थ है सभी भुजाओं एवं कोणों का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं कोणों के समान होना। इसी तरह हम चतुर्भुज पंचभुज आदि में भी सर्वांग समता की बात कर सकते हैं, परंतु क्या दो आकृतियों की सर्वांग समता के लिए उनके सभी अंगों की समानता की जांच करना आवश्यक है? अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ अंगों को देखकर भी उन्हें सर्वांग सम कह सकते हैं? आइए वृत्त वर्ग और आयत के संदर्भ में हम इन्हें समझते हैं। जैसे वर्ग में चार भुजाएं व चार कोण होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दो वर्गों की एक भुजा ही समान हो तब हम कह देंगे कि दोनों वर्ग सर्वांग सम है और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। लेकिन एक आयत की एक भुजा दूसरे आयत की संगत भुजा के समान हो तो क्या वे भी सर्वांग सम होंगे? जाहिर है ऐसा नहीं होगा। जब दोनों आसन्न भुजाएं दूसरे आयत की संगत भुजाओं के समान हो तभी दोनों आयत सर्वांग सम होंगे। वृत्तों में तो सिर्फ त्रिज्या समान होने पर ही वे एक दूसरे को ढक लेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं, चित्र 3 देखें। दो वर्ग ए बी सी डी और पी क्यू आर एस सर्वांग सम होते हैं यदि ए बी बराबर पी क्यू। दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान हो, यानि ओ वन ए बराबर ओ टू बी। आप चित्र 4 देखिए, ओ वन ए ओ टू बी के बराबर होगी तब दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे। चित्र 5 देखिए। इसी प्रकार दो आयत सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी संगत आसन्न भुजाओं के माप बराबर हो, यानि ए बी बराबर पी क्यू और ए डी बराबर पी एस। क्या हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ शर्तें ढूंढ सकते हैं? इस अध्याय में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कम रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। सभी बहुभुज त्रिभुजों से ही बने होते हैं, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता पहचानना बहुभुजों की सर्वांग समता जांचने के लिए उपयोगी है। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं व संगत कोणों के माप बराबर हों। त्रिभुजों के अवयवों में संगतता कांग्रुएंसी इन पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर देखें। इनमें यदि ए बी को पी क्यू के संगत माने तो बाकी अंग नीचे तालिका अनुसार संगत है। चित्र 6 में दो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। आप देख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, संगत कोण कौन से हैं और शीर्ष कौन कौन से संगत हैं।
आप तालिका में देखें, पहले त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और दूसरे त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यू संगत भुजाएं हैं। इसी तरह भुजा बीसी भुजा क्यूआर के संगत है और भुजा एसी भुजा पीआर के संगत है। कोणों की संगतता के संदर्भ में हम दोनों त्रिभुजों में देख सकते हैं कि कोण ए संगत है कोण पी के और कोण बी संगत है कोण क्यू के। इसी तरह कोण सी संगत है कोण आर के। शीर्षों के संबंध में हम कह सकते हैं ये शीर्ष ए संगत है शीर्ष पी के, शीर्ष बी संगत है शीर्ष क्यू के और शीर्ष सी संगत है शीर्ष आर के। दोनों ओर तीर का चिन्ह संगतता को प्रदर्शित करता है और जो देख रहे हैं वह चिन्ह सर्वांग समता का संबंध बताता है। यदि दो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर, तो एबी बराबर पीक्यू, बीसी बराबर क्यूआर और एसी बराबर पीआर। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। त्रिभुज बीसीए सर्वांगसम त्रिभुज क्यूआरपी या इसे त्रिभुज सी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी ए अथवा त्रिभुज सी ए बी एक ही है। त्रिभुज बी सी ए को त्रिभुज क्यू आर पी के सर्वांगसम लिख सकते हैं, परंतु हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी या त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू। त्रिभुजों की सर्वांगसमता में शीर्षों व कोणों के क्रम को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए संक्षेप में स त्रि स भ लिखा जाता है, जिसे सी पी सी टी या करस्पॉन्डिंग पार्ट आप कंग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं।